राजधानी पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में विभिन्न कलाओं की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जगहों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में अलग अलग चरणों में लगभग सभी तरह की हस्तकला और शिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा और हर कला में विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये नकद के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने आए कलाकार भी बड़े उत्साह और जी जान लगाकर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई टिकुली पेंटिंग बना रहा है तो कोई सिक्की यानी कि एक प्रकार की घास को छीलकर उससे भगवान की अद्भुत और मनमोहक कलाकृति बना रहे हैं। बांस की जड़ों से भी मूर्ति बनाई जा रही है तो मिट्टी, टेराकोटा, लकड़ी और पत्थर से भी मूर्ति कला का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में देखने को मिल रहा है। ये आर्ट सिक्की आर्ट कहलाती है और ये एक घास है, उस घास से इसको ये शार्प करके छिलके और इसको बैठाया जाता है। आपका गांव का सीन वगैरह तैयार होती है, बुद्ध भगवान ज़्यादातर बनाए जाते हैं, गणेश भगवान, बुद्ध भगवान, ये सब तैयार किए जाते हैं। ये टिकुली आर्ट है और ये बिहार का फोक आर्ट है और ये पटना सिटी से इसका स्टार्टिंग हुआ है और फिर हम लोग इसको इनेमल पेंट से ये बनाया जाता है और हार्डबोर्ड पे ये पेंटिंग बनता है। यह एक क्यूलिंग आर्ट है जो चार्ट पेपर को काफ़ी बारीक काट कर उससे कोई भी डिजाइनिंग बनाया जाता है, जैसे फ्लावर है, लीफ है। ये बांस कला है, बांस से विभिन्न तरह की कलाकृति बनाई जाती है जो घरेलू उपयोग के लिए है। जब से भगवान बुद्ध और अप्सरा की ये टेराकोटा मूर्ति बना हूँ मिट्टी से। टिकुली पेंटिंग है जो हम लोग काफ़ी दिन से इसमें प्रयास कर रहे थे तो हम लोग को आगे मौका मिला है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्ग है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में आता है ये मिक्स मीडिया, जिसमें ये करने के बाद मैं इसके ऊपर पेंटिंग करूँगा। ये वुड कार्विंग है सर, और ये जो हम बना रहे हैं ये ग्रीन तारा है, ये तिब्बतियन है, इसको तिब्बत के लोग जो है ज़्यादा लाइक करते हैं। ये स्टेट अवार्ड प्रोग्राम है जिसमें बिहार के सभी जिले राज्य से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने कला की प्रदर्शनी कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हो रही है बिहार की प्राचीन कला को लोगों के सामने लाने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ बिहार भी अपने वक्त में कला में संपूर्ण था। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में विभिन्न हस्तकला एवं शिल्प कला से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सरकार के द्वारा बिहार के लोगों में हस्तकलाओं के प्रति कम हो रही रुचि को फिर से जगाने का प्रयास काफी सराहनीय है। ममता प्रसाद के साथ मनीष कुमार, आपकी आवाज़ न्यूज़, पटना।